नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम शर्मा, मेरी कलाईवी सोनम शर्मा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। एक्चुअली एक कमेंट में बोला गया था कि मैम, हम अपने घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो घर हमारा छूट गया था या ड्यू टू एनी रीज़न, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसानों की लाइफ में, तो शायद उनको वो घर बेचना पड़ गया था, तो उसी घर को कैसे अपनी तरफ दोबारा आकर्षित कर सकते हैं। सो सॉरी फॉर डिले, पहली चीज़ तो बोलना चाहूँगी कि आपके इस घर के लिए जो वीडियो है वो मैं बाद में बनाऊँगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे कर सकते हैं, ये कैसे वर्क करता है, पहले इस चीज़ को जानना, पहचानना, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ज़्यादातर जो भी वीडियोस बनाती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है जो सुना, हाँ सुनती ज़रूर हूँ, बहुत सारे लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, टॉपिक होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एफर्मेशंस क्या है, एक्चुअल में क्या है चीज़ें। हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, बार 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 एक ही चीज़ को बोलना, सोचना, समझना और चाहना, इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए। अब हम क्या है, हम करते क्या, चाहते कुछ और है, सोचते कुछ और है, होता कुछ और ही है। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्यों होता था, किस लिए होता था, समझ नहीं आता था। हमेशा भगवान को ब्लेम कर देना, पता नहीं भगवान ही मेरी नहीं सुनता। अरे भगवान हमारी सुनता है, तभी तो ये पंगा बढ़ रहा है। अब भगवान का मतलब कहने का तरीका ये है कि जो चाहोगे वो पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा पालोगे, जो बोओगे वैसा फल मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बबूल का पेड़ बोया, बीज बोया और आम का फल पा लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आम का फल ही पाओगे ना। तो सिंपल सी टेक्निक है, आपको करना क्या है, आप जो अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहते हैं उसको सोचना शुरू कर दीजिए, ऑलवेज उसको सोचिए। अब आप बोलते हैं हम सोचते तो हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, क्या आप ऐसा क्या कहते हैं फील करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप हमेशा अपनी फीलिंग के साथ अपने डर को ऐड ऑन कर देते हैं। मतलब फील करना होता है कि अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मैं गई हूँ अपनी बड़ी सी गाड़ी में, ठीक है, कहीं मॉल गई हूँ और हज़ारों की लाखों की शॉपिंग करके आ रही हूँ, तो उस वक्त मेरे अंदर क्या फील आ रहा होगा, उस चीज़ को फील करना, महसूस करना और बिलीव करना, ट्रस्ट करना कि ये चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं मेरे साथ। एक सपने की तरह ज़रूर लगती हैं, बट ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन फीलिंग्स के साथ जुड़ जाती हैं चीज़ें। हमारे माइंड में जब चीज़ें स्टोर होने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो वो चीज़ें वैसे 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 होने लगती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा घर तो बने, लेकिन मेरी फीलिंग नहीं जुड़ पा रही, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास उस घर के लिए ना तो प्रॉपर मनी है, धन नहीं है, स्पोर्ट नहीं है, कैसे होगा, ये फीलिंग जुड़ जाती है। मैं वो चाहती हूँ लेकिन कैसे होगा पता नहीं, अब डाउन हो गया। मैनिफेस्टेशन डेट टाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के रास्ते में चलना है तो सबसे बेटर टाइम क्या रहता है, मॉर्निंग का। जब आप सोकर उठते हो ना, तब आप उन चीज़ों को सोचो, उन चीज़ों को अप्लाई करो, अपने माइंड में लेकर आओ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा भाड़ में जाइए, थॉट्स आते हैं जाने दो, आते हैं जाने दो, बस उस गोल को डिसाइड रखो, जो चीज़ आप चाहते हो बस चाहते हो और वो चीज़ आपकी होगी, डेट्स इट। अब सुबह उठो, अपनी दिनचर्या के काम में लग जाओ। सेकेंड टाइम होता है आपका रात का, सोने से पहले का टाइम, जब कहते हैं ना नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है प्यारी प्यारी सी, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा आधा दिमाग सो रहा है, आधा दिमाग जाग रहा है। उस वक्त हमारे माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स का जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड होता है, वो काफ़ी टाइम के लिए क्लोज हो जाता है, और डैट टाइम हम जो भी सोचते हैं और सोचते सोचते जो भी हम सोचते सोचते सो जाते हैं, वो चीज़ें एक्चुअल में हमारी लाइफ में घटित होने लग जाती हैं, घटनाएं। अब इसमें कोई जादू नहीं है, कोई रेमडीज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ये हमारे दिमाग की उपज है। हम अपने उस वक्त में ना, कह लो कि कहते हैं ना कुछ सीड्स होते हैं प्लांट्स के, इन मौसम में अगर बोया जाए तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और अगर इन मौसम में बोया जाए तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सेम वैसा ही हमारे दिमाग जो है, ये खेती है, ये एक भूमि है, इसमें हम जिस प्रकार का बीज जिस टाइम पर बोलेंगे ना, वो एक परफेक्ट टाइम पीरियड बन जाएगा, और डैट टाइम आपकी जो विश है वो डेफिनेटली 100 में से 1001% पूरी होगी।
ट्रस्ट मी, ट्राई कीजिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने कि सोने के बाद और उठने से पहले? नहीं, आपको रात को सोने से पहले जब आप नींद में हो, आधी कच्ची नींद में, तब आपको मैनिफेस्ट करके सोना है। बार 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 आपको चीज़ें सोचनी है, फील करनी है, उस मतलब फीलिंग में डूब जाना है आपको कि ये चीज़ें एक्चुअल में मेरे साथ घटित हो रही हैं, मेरे साथ एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं। उसको फील कीजिए, इंजॉय कीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी इमोशंस चीज़ें हों आपके आसपास, आपके साथ घटित हो रही हों कि आपकी आंखों में पानी भी आ जाए, तो डैट्स इट। वो पानी आना, वो खुशी, वो अकेले में मुस्कुराहट जो आती है ना, इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, आपकी जो विश है, वो आपकी बर्निंग डिज़ायर से जुड़ गई है दोस्तों, और आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप हमारे मेरिकल लाइफ विद सोनम शर्मा यूट्यूब चैनल को